The topic we are going to talk today is respect for student privacy. As we understand that when we talk about the privacy, it is very important to provide the private space in a therapeutic environment. Hence, when we talk that the privacy is given in an academic setting to the student, that has given a different meaning. The rules and requirements regarding the confidentiality in the academic setting cannot be the same as the duty owed to the साइकोथेरेपिस्ट इन अ थेरापटिक सेटिंग सो डेफिनेटली जिस तरीके से हम साइकोथेरेपी के अंदर एक प्राइवेसी को इंश्योर करते हैं एक कॉन्फिडेंशालिटी को इंश्योर करते हैं वो सनेरियो एज इट इज उसी स्ट्रक्चर के साथ स्टूडेंट्स की एग्जाम uh, की प्राइवेसी में या स्टूडेंट की काउंसलिंग के सेटअप की प्राइवेसी में मेन्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वेर आ स्टूडेंट एक्डेमिक रिकॉर्ड्स आर प्रोटेक्टेड बाई लॉ विच इज़ रिवील्ड इन द क्लास रूम एंड इनफार्म अमंग फैकल्टी एंड स्टूडेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली एक्सप्लेन बाई द लॉ जब हम एक एक्डामिक रिकॉर्ड की प्राइवेसी जो है उसकी बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि डेफ़िनेटली जब ग्रेड्स आएंगे तो वो स्टूडेंट्स को जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा उनके क्लास रूम्स में उनके रिज़ल्ट जो हैं वो बताए जाएँगे पेरेंट्स को बताया जाएगा उसके अलावा वो गज़ट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा वेबसाइट uh, पर भी uh, उनके जो है वो ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो कंसोलिडेटेड uh, फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं लेकिन uh, जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं वहाँ पर हमें किस तरह की प्राइवेसी इंश्योर करनी होगी तो इस आज के लेक्चर में हम एक्सक्लूसिवली उन टॉपिक्स uh, के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स या उनके जो ग्रेड्स हैं वो अगर उनको किसी तरह की uh, एक फीलिंग uh, दे रहे हैं एंग्जाइटी की दैट इफ़ दे हैव सिक्योर्ड बैड रिजल्ट्स या वो किसी सब्जेक्ट में उनकी परफॉर्मेंस उनके मुताबिक उतनी आ, अच्छी नहीं है तो उनको उसकी वजह से किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस या एग्जाइटी हो सकता है तो उनकी सेल्फ़ स्टीम हार्म ना हो उनकी सेल्फ़ आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो दूसरे लोगों के ऊपर कि ये स्टूडेंट्स हैं जिनके बिलो 45 फाइव ग्रेड्स हैं या इस तरह की कोई उनके ऊपर लेबलिंग ना हो तो इस तरह से हम एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं उनको किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं Nevertheless, the ethical considerations apply, and एंड careless केयरलेस that violates a अ रीजनेबल राइट टू प्राइवेसी कैन students स्टूडेंट्स हार्म अगर आपने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि ये तीन स्टूडेंट्स हैं जिनके यूनिवर्सिटी में सबसे कम मार्क्स आए हैं हम इस तरीके से उनको अगर लेबल कर देते हैं तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस इन दैम एंड पॉबेबली इवन वेरी हार्मुल कॉन्सिक्वेंसिस वी सीन आउट ऑफ इट तो हम कभी भी किसी के बैड एक्डेमिक रिकॉर्ड को Uh, उसके नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं कर देते या हम उसको बाय नेम टैग नहीं कर देते कि ये एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स हैं जिनका जीपीए जो है वो टू uh, से बिलो है या वन पॉइंट फाइव से बिलो है और थिंग्स लाइक दैट दे आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी कंसिडर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ देयर स्टूडेंट्स सो एक टीचर स्टूडेंट बॉन्ड के अंदर जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स uh, जो हैं वो का, काम कर रहे होते हैं वहाँ उनके बीच में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रिस्पेक्ट का रिगार्ड का प्राइवेसी का और उनके राइट्स के ख्याल रखने का भी शामिल होता है नाउ डोंट शेयर स्टूडेंट स्पेसिस और नेम विदाउट एक्सप्लिसिट पेरेंटल कंसेंट दिस डज नॉट ओनली गोज इन टर्म ऑफ लेबलिंग दैम एज अ बैड स्टूडेंट बट इन फैक्ट दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू पोट्रे दैम एज अ हाई अचीवर यू कॉन्ट जस्ट पोस्ट देयर पिक्चर्स एंड यू कॉन्ट जस्ट पोस्ट देयर नेम्स ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन द वेबसाइट ऑन एनी सोशल मीडिया और एनी न्यूज़ पेपर विदाउट द कंसेंट ऑफ़ द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट इट्स सेल्फ लाइक अगर आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोई टॉपर्स हैं कोई डिस्टिकशन लेने वाले हैं उनकी भी अगर न्यूज़ आप देंगे या उनकी सोशल मीडिया पर ख़बर देंगे तो पेरेंट्स का जो कंसेंट होता है वो ज़रूर चाहिए होता है कि हम उनकी पिक्चर्स जो हैं वो डिस्प्ले करने जा रहे हैं इसी तरह ये सिचुएशन और भी ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती है अगर वो हम कोई फ़ी डिफ़ॉल्टर्स हैं Uh, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं uh, जिन्होंने उस सेमेस्टर के अंदर बुरा परफॉर्म किया है तो उनकी एक लिस्ट बना लेना उनके नामों की एक लिस्ट uh, uh, के साथ उनके पिक्चर्स अटैच करके उसको जो है वो वेब पेज के ऊपर अपलोड कर देना कि दीज आर द फी डिफॉल्टर्स और दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट परफॉर्म्ड एडिकुएटली इन द सेमेस्टर सो दिस कुड नॉट बी अलाउड बाय द एथिकल गाइडलाइंस दैट यू कुड डू एनी सच एक्ट विच इज़ गोइंग टू डिफेम द स्टूडेंट

कि वो या वो गुड पब्लिसिटी हो या वो बैड हो लेकिन गुड पब्लिसिटी भी विद कंसेंट होती है और बैड पब्लिसिटी तो अलाउड ही नहीं है कि आप किसी को बुरे नाम से जो है वो मशहूर कर सकें देन डोंट मेक एनी ग्रेड्स असेसमेंट और एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एजुकेशनल रिकॉर्ड पब्लिक एक स्टूडेंट जो है उसका जो भी एकेडमिक पोर्टफोलियो है वो हम कभी भी uh, इस तरीके से पब्लिक नहीं कर सकते दैट एनीवन वन कुड एक्सेस एंड देन कैन फर्दर लेबल देम कि ये वो स्टूडेंट है जिसकी पूरी लाइफ में कभी भी जनरल नॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं आए बिकॉज यू नेवर नो कि ये डाटा बाद में लाइफ में किसी भी स्टेज के ऊपर किस तरीके से यूज़ हो सकता है लेट्स से कि एक इंडिविजुअल है उसको आप उसका डाटा पब्लिक है और उन कहते हैं कि जी इसके तो इंग्लिश में मार्क्स जो हैं वो कभी भी ज़िंदगी में अच्छे नहीं आए और बाद में बाई वर्चू ऑफ चांस वो इंग्लिश का ही टीचर बन जाए तो उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं जो लोग उसको पसंद नहीं करते तो ऐसी सिचुएशन में किसी की भी जो ये डेट्स uh, हैं किसी के नंबर हैं ये इंफॉर्मेशन जो है इसको पब्लिक करना एक uh, अच्छा अमल नहीं कहलाता दिस इज़ द कोर पार्ट ऑफ़ फैमिली एथिकल रेगुलेशंस एंड एक्ट जिसके थ्रू हम uh, ये चीज़ इस तरीके से पब्लिक नहीं कर सकते और ये जो हमारे फैमिली रेगुलेशन एक्ट के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि हर एक की प्राइवेसी का हर एक के नेम का और हर एक की जो उसकी प्रोफाइल है उसको आपने ओपन नहीं करना

जिसके अंदर अंडर एज टेन जो बच्चे थे वो सिंगिंग कॉम्पटिशन कर रहे थे अब उस सिंगिंग कॉम्पटिशन में एक एक बच्चा और एक बच्ची एक ड्यूट सॉन्ग जो था वो इंग्लिश में परफॉर्म कर रहे थे और स्कूल ने उसको इसलिए पोस्ट किया था और पेरेंट के कंसेंट से किया था कि इसके ऊपर लोग बहुत अच्छे कमेंट्स देंगे और उनके स्कूल के बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट करेंगे लेकिन हुआ क्या कि वो जो सिंगिंग थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा थी और लोगों ने उसके नीचे ये कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि ये जो है ये ओरिजिनल परफॉर्मेंस नहीं है और ये सिर्फ लिप सिंगिंग हो रही है और ये इस तरह के जो एक्ट्स हैं उनको स्कूल को प्रमोट नहीं करना चाहिए और स्कूल जो है वो इसके अंदर जो है वो एक सही पिक्चर पोर्ट्रे नहीं कर रहा और वो अपने स्कूल की एक गलत पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है तो जिन पेरेंट्स के वो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हुए कि हमारे बच्चों की जो अचीवमेंट है या हमारे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको गलत तरीके से पब्लिक जो है वो अंडरस्टैंड करिए और उन्होंने अपने एक्टिवियंसिस जो थे वो स्कूल को रिपोर्ट किए और uh, उसके ऊपर एक बहुत लंबी डिबेट शुरू हो गई कुछ पेरेंट्स जो थे वो बच्चों की परफॉर्मेंस जिन्होंने लाइव सुनी थी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कुछ उसके अगेंस्ट थे तो कट शॉर्ट टू दैट इंसिडेंट हुआ ये कि इन रिटर्न द स्कूल हैज़ टू रिमूव दैट वीडियो बिकॉज दे वर अनएबल टू पब्लिकली हैंडल द कॉमेंट्स विच वर वर बींग गिवन बाय द पब्लिक सो समटाइम्स अ वेरी सिंपल एक्ट वुड बी यू नो टर्न दिन अ वेरी ट्रिवियल थिंग

विद द ब्रॉडर कैप्शन एंड द इनसाइड द फाइल कुड बी द पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट्स तो वो पब्लिकली हमें नज़र नहीं आने चाहिए देन डू बी माइंडफुल टू हाउ कमर्शलाइज योर क्लास रूम बिकॉज दिस इज द डिजिटल एज एवरी थे डिजिटलाइज बाजूका टीचर्स जो हैं वो अपने क्लास रूम की लाइव रिकॉर्डिंग जो हैं वो भी कर रहे होते हैं लाइव अपलोड भी हो रहे होते हैं स्टूडेंट एक्टिविटीज स्कूल जो हैं वो डेली बेसिस पे पेजिस पे अपलोड कर रहे होते हैं

जो लोग अंडरस्टैंड ना कर सक कर सकें कुछ ऐसी क्लास एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कुछ ऐसी एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉबेबली पेरेंट्स का ऑडियंस को ना हो एंड दे कैन टर्न आउट टू बी अ बैड डिसीजन रादर इट वड बी अ गुड डिसीजन फॉर यू टू अपलोड दीज थिंग्स कि आप अपने स्कूल को प्रमोट कर रहे हैं अपने एजुकेशनल सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं तो बाई सेंग दिस इट नीड टू बी वेरी क्रिटिकल कि हमने अपने स्टूडेंट्स की जो प्राइवेसी है उसको कैसे मेन्टेन रखना है और उसके साथ साथ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसके डिकोरम को कैसे मेंटेन रखना है